हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, स्टार्ट विद मैथ्स क्लास. ओके, सो व्हिच चैप्टर इज गोइंग ऑन? अवर चैप्टर नंबर 1, वेयर टू लुक फ्रॉम. ओके, सो व्हिच टॉपिक वी सी प्रीवियसली? वी सी अबाउट द ऑब्जेक्ट व्यूज एंड पैटर्न. ओके, सो नाउ वी सी अबाउट द मिरर हाउस. यू नो अबाउट द मिरर? यस, मिरर क्या होता है? यस, कैन यू हैव मिरर इन योर होम? यस, आप डेली यूज करते हो ना मिरर को? यस, आप व्हाट यू हैव टू डू इन दैट मिरर? यू कैन सी योर इमेज. आप क्या करते हो? आपका इमेज देखते हो मिरर में. यस और नो? यस, सो यू कैन सी योर मिरर इमेज इन द मिरर. सो व्हाट डू यू मीन बाय मिरर? Mirror is nothing but a glass in that you can see any image. Okay, जैसे आप बाहर दिखाई देते हो वैसे सेम दिखाई देते हो ना मिरर में? Yes, so that is nothing but a mirror image. The image you can get on the mirror is called as a mirror image. Okay, so I have an apple. But वो apple कैसा है? Half ही है मेरे पास. अभी what I have to do? I want to complete that apple. So how can I complete? मैं कैसे कंप्लीट करूँगी उसको? तो क्या किया मैंने, वो जो हाफ एप्पल जो था उसको मिरर के पास ले गई. सो आई फाइंड आउट, मेरे को क्या मिला? वो एप्पल जो है मेरा पूरा हो गया. दैट मीन्स आई फाइंड एग्जैक्टली द सेम इमेज, सेम हाफ इमेज ऑफ द एप्पल इन द मिरर. जो भी मेरी हाफ इमेज थी, हाफ पिक्चर था एप्पल का, उसका सेम इमेज जो है मेरे को मिरर में फाइंड आउट हुआ. तो मेरा एप्पल कैसा हो गया? कंप्लीट हो गया. ओके, सो इस जादू है कि नहीं, एक टाइप का मैजिक. ये क्या है? एक टाइप का मैजिक है. अगर आपके पास कोई चीज़ का हाफ पार्ट है, अगर उसको कंप्लीट करना है, तो हम उसको कैसे वॉच कर सकते हैं? उसकी मिरर इमेज देख के. यस और नो? यस. ओके, लेट अस सी मोर एग्जांपल अबाउट मिरर इमेज. ओके, लेट अस सी. सो सी, आई टेक द वन स्क्वायर हियर एंड आई टेक द इमेज ऑफ दैट इन द मिरर. मैंने उसकी इमेज देखी मिरर में, मेरे को कैसे दिखाई दी? सेम. ऑल्सो आई टेक द सर्कल और सर्कल की भी मैंने मिरर इमेज देखी, वो भी सेम दिखाई दे रही. यस. Now object, I take the object. Which object is there? Can you identify? कौन सा object दिखाई दे रहा है आपको? Yes, it is the object of cuboid. Yes, so वो cuboid का object आपको mirror में दिखाई दे रहा है? कैसे दिख रहा है? Same. Okay, now you can see one boy is there. And वो boy क्या कर रहा है? देखो mirror में अपने आप को देख रहा है. Yes, उसको बहुत खुश भी हो रहा है, happy भी है. Yes, but you can find something is different. Yes, sometime what happened? The mirror image is same, but sometime is what happened? Mirror image is kya hoti? Same hoti hai, but their position is to be changed. Unki position kya hoti hai? Change hoti hai. Jaise left ho to right ho jayega and right ho to left ho jayega. Okay, aap bhi dekh sakte ho boy ka. Okay, understand? Sure. Now see, I also draw one triangle here. Okay? And dotted line is what? Dotted line is the mirror line. Okay? So now this dotted line is the mirror. Now I see that triangle in the mirror. What you have to see? I see, get the mirror triangle image of the triangle. Mere ko wo triangle ki image mil gayi. But wo how it is? It is position is to be changed. इट इज अपोजिट. ओके, सो यहाँ पे क्या हो गई? उसकी पोजिशन चेंज हो गई. सो इट मे बी पॉसिबल कि मिरर इमेज सेम भी हो सकती है या फिर सेम होती है पर उसकी पोजिशन ओनली क्या होती है? चेंज होती है. ओके बेटा, अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय नाउ मिरर हाफ्स. अब ये तो हम देखा हमने मिरर इमेज के बारे में, अब मिरर हाफ्स क्या होता है? नाउ यू नो अबाउट हाफ हाउस. मैम बोल रहे अगेन अगेन हाफ्स हाफ्स. तो ये हाफ्स क्या होता है? हाफ्स मीन्स हाफ. हाफ्स मीन्स वॉट? हाफ.
अगर कोई भी चीज़ को आप डिवाइड करते हैं तो आपको उसका हाफ मिलता है। यस हम कोई भी चीज़ को अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका हाफ पार्ट अपने को मिलता है। अगर मेरे पास दो हाफ पार्ट है तो उसको मैं क्या बोलूँगी, हाउस। ये उसका प्लूरल फॉर्म है, हाउस। ओके, यानी दो हाफ पार्ट। हाउस मीन्स व्हाट, दो हाफ पार्ट। ओके, सो मिरर हाउस मीन्स दैट डिवाइड द फिगर और डिजाइन इंटू टू सिमिलर पार्ट्स। सिमिलर मीन्स व्हाट, सेम और इक्वल। ओके, सो वी गेट द सेम। इफ मिरर इमेज के अपने को दोनों सेम पार्ट मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिरर हाउस। जैसे हमने एप्पल के एग्जांपल में देखा था, अपने को दो सेम पार्ट मिल रहे थे एप्पल के, एक मिरर के अंदर और एक मिरर के आउटसाइड। सो वी गेट द टू मिरर हाउस। ओके, सो हियर ऑल्सो आई टेक द एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल आई ड्रॉ दैट द शेप, आई टेक द शेप ऑफ हार्ट एंड आई डिवाइड दैट शेप इंटू टू पार्ट्स। दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज वन पार्ट। नाउ यू कैन सी द बोथ पार्ट आर सेम, सो हियर वी गेट द मिरर हाफ। ओके, दिस वन मिरर हाफ और ये सेकेंड मिरर हाफ, सो दोनों मिला के क्या हो गया, मिरर हाफ। नाउ आई टेक द बटरफ्लाई पिक्चर ऑल्सो, सो हियर आई डिवाइड द बटरफ्लाई इंटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, सो दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज वन पार्ट। नाउ बोथ पार्ट आर सेम, यस बोथ पार्ट आर सेम, सो हियर वी गेट द मिरर हाफ। यस, जो लाइन है वो क्या कर रही, दोनों के मिरर हाफ बना रही है। ये वन मिरर हाफ है, ये वन, ये दिस इज अनदर मिरर हाफ है। ओके, बिकॉज बोथ आर सेम। डाउन साइड हियर ऑल्सो आई टेक द सम मोर एग्जाम्पल्स। ओके, दे कैन ऑल्सो शो द टू मिरर हाफ। ओके, अंडरस्टैंड नाउ, लेट अस सी वन बॉय इज देयर लाइक यू, व्हाट ही डू, उसने क्या किया, वन शेप ड्रॉ किया, वन शेप किया और पेपर पे कट किया और उसको क्या किया, सेंटर से उसको फोल्ड किया। नाउ यू कैन सी, अगर वो फोल्ड करता है, आफ्टर द फोल्डिंग द बोथ पार्ट आर ओवरलैपिंग ईच अदर। बोथ पार्ट क्या हो गए, ओवरलैप हो गए ईच अदर, तो दैट मीन्स बोथ पार्ट आर सेम। और इफ बोथ पार्ट आर सेम देन वी गेट द मिरर हाउस। अगर दोनों पार्ट सेम है तो अपने को क्या मिलेगा, मिरर हाउस मिलेगा। ओके, अंडरस्टैंड नाउ। अब ये तो हो गया पिक्चर्स के ऊपर, शेप्स के ऊपर। ओके, लेट अस सी ऑन द शेप। नाउ यू कैन सी द शेप, आई टेक द शेप ऑफ द स्क्वायर। और मैंने क्या किया, ये शेप को डिवाइड किया टू इक्वल पार्ट्स में। सी दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट। नाउ यू कैन सी द बोथ पार्ट आर सेम, यस वन इज सेम एज द सेकेंड। सो हियर वी से दैट वन इज द मिरर हाफ ऑफ द सेकेंड। वन क्या है, सेकेंड का मिरर हाफ है। ओके, अंडरस्टैंड नाउ, आई टेक द अनदर शेप एंड आई डिवाइड दैट शेप बाय द ड्रॉइंग अ लाइन। अगेन आई टेक द टू पार्ट्स, दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट। नाउ दिस बोथ पार्ट आर सेम, नो दिस बोथ पार्ट आर नॉट सेम। वन पार्ट इज नॉट सेम एज द सेकेंड पार्ट, सो वी कैन से दैट वन इज नॉट अ मिरर हाफ ऑफ सेकेंड। हम क्या बोल सकते हैं कि वन सेकेंड का मिरर हाफ नहीं है। ओके, सो व्हाट डू मीन बाय मिरर हाफ, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ अ लाइन देन वी गेट द मिरर हाफ। अगर कोई भी लाइन से हम डिवाइड करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, अगर लाइन के दोनों साइड सेम पार्ट मिल रहा है तो वो मिरर हाफ है। अगर दोनों लाइन के दोनों साइड में सेम पार्ट नहीं है तो वो मिरर हाफ नहीं है। अंडरस्टैंड, चलो नाउ आई कैन ट्राई दिस मिरर हाफ ऑन द लेटर्स एंड अल्फाबेट ऑल्सो। ओके, सो लेट अस सी, सो मिरर हाफ इन अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। ओके, सो एज यू नो द अल्फाबेट, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, देयर आर टोटल 26, दैट मीन्स ए टू जेड अल्फाबेट्स आर देयर एंड 0 to 9 नंबर्स इज देयर। ओके, सो लेट अस ट्राई द मिरर हाफ ऑन दैट। ओके, so see, first of all see about the mirror image of the alphabets and letters.
Okay, so you can see in that first picture, the letters, they can show the mirror image. Okay, but जो mirror line है वो vertical mirror line है. आपको ये mirror line दिखाई दे रही है सब में? Yes. जब मैं vertical mirror line होती है यानी standing, तब आपको उसकी mirror image कैसे दिखाई दे रही है? Same दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है, opposite दिखाई दे रही है. Okay? बट कुछ जो लेटर्स है जैसे ए है, एच है, इसमें आपको क्या हो रहा है? वर्टिकल मिरर लाइन है, पर मिरर इमेज कैसे दिखाई दे रही है? सेम दिखाई दे रही है. सो मिरर इमेज इज डिपेंड अपॉन हाउ यू मिरर लाइन इज देयर. मिरर इमेज इसके ऊपर भी डिपेंड होती है कि आप मिरर को कैसे रखते हो. अगर मिरर इमेज वर्टिकल है तो कुछ वर्टिकल इमेज वर्टिकल रखी है तो उसमें सो मिरर इमेज इज डिपेंड्स अपॉन द मिरर ऑल्सो. ओके, अंडरस्टैंड? समटाइम्स इट शोज द सेम मिरर इमेज, समटाइम्स इट शोज द डिफरेंटली मिरर इमेज. ओके, देयर पोजिशन शुड बी चेंज. ओके, अंडरस्टैंड? सो ऐसे कौन से लेटर है कि जिसमें मिरर इमेज डिफरेंट होती है? लेट अस सी अबाउट दैट. ओके, सी नाउ, अब मैंने मिरर इमेज जो है, मिरर लाइन जो है मेरी वर्टिकली रखी है. ओके, अब मैं अगर मिरर ऐसे रखती हूँ स्टैंडिंग पोजीशन में, तो मेरे को ये जो लेटर्स है वो कैसे दिखाई, ये लेटर्स के सारे, ये सारे लेटर्स की जो मिरर इमेज है वो मेरे को कैसे दिखाई देगी? अपोजिट, यानी उनकी पोजीशन कैसे दिखाई देगी? चेंज. ओके, उनकी पोजीशन कैसी है? चेंज है. बट अगर वैसे ही मैं मिरर इमेज कुछ अलग तरीके से रख, दूसरे अल्फ़ाबेट्स में रख रही हूँ, तो मेरे को कैसे दिखाई देगी? सी इन दिस वे. So in that the alphabet shows the same mirror image. Okay, but here we see the mirror image differently, and here we see the mirror image same. Okay, understand? Okay, now what is about the mirror half? अभी mirror half के बारे में अपने को देखना है कि what is mirror half भी same होता है कुछ images में. Now we can see about the mirror half. See, I can draw the some line in all the alphabets. And आपको जैसे पता है कि मिरर हाफ कब होता है, कि जब मैं कोई भी इमेज को टू पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो मेरे को मिरर हाफ मिलते हैं. When we divide any object into two equal parts, then we get the mirror half. अब मैंने ए टू जेड जो अल्फ़ाबेट्स है इसको क्या किया, मैंने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और मैंने देखा है कि कौन से लेटर्स में मेरे को मिरर हाफ्स मिल रहे हैं. तो लेटर ए में मिल रहा है मिरर हाफ्स, बी को मैंने क्या किया है, हॉरिजॉन्टली मिरर रखा है. मिरर लाइन जो कैसी रखी है? हॉरिजॉन्टली. अगर मैं उसको वर्टिकली रखती जैसे मैंने देखा था, तो उसकी मिरर इमेज सेम आती, मेरे को मिरर हाफ मिलता? नो. इसलिए मैंने मिरर को हॉरिजॉन्टली रखा, तो मेरे को क्या मिल गई? टू मिरर हाफ मिल गए. In C also, horizontally mirror line is there. So we get the mirror half like this way. Okay? D, E, but letter F, G, J, L, N, P, Q, R, S और Z. इसमें क्या है? Mirror image, mirror half अपने को नहीं मिल रहे. We not get the mirror half because we cannot divide this letter into two equal parts. अगर मैं इसको वर्टिकली भी रखूंगी या हॉरिजॉन्टली भी रखूंगी तो भी मेरे को उसमें मिरर हाफ मिलेंगे नहीं. अंडरस्टैंड? सो लेट अस ट्राई ऑन द नंबर. ओके, सो सी, आई कैन ड्रॉ द मिरर लाइन, आई कैन डिवाइड द नंबर्स इनटू टू पार्ट्स. सो जीरो आई कैन डिवाइड, थ्री आई कैन डिवाइड, एट ऑल्सो आई कैन डिवाइड. ओके, एंड आई गेट द टू इक्वल पार्ट्स. That means we get the mirror half here. But the number 1, 2, 4, 5, 6, 7 and 9, we not get the mirror half because we cannot divide this into two equal parts. Okay? So now you understand about the mirror half? Mirror half means what? The mirror half, when we divide the any object into two equal parts, then we get the mirror half. Okay,
अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ बाय ड्रॉइंग अ लाइन, अगर मैं उस पर लाइन किसी भी लाइन करके होरिजेंटली हो या वर्टिकली हो, मैं उसको लाइन को ड्रॉ करके अगर उसके टू इक्वल पार्ट्स बना रही हूँ और अगर वो दोनों पार्ट सेम हैं तो दैट टाइम वी गेट द मिरर हाफ। अगर वो दोनों पार्ट सेम नहीं हैं तो वी नॉट गेट द मिरर हाफ। अंडरस्टैंड? ओके, सो नाउ लेट अस सी अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक द सिमेट्री। तो जस्ट मूव ऑन टू द बोर्ड। अभी वो टॉपिक हम बोर्ड पे एक्सप्लेन कर, मैं तुम आपको बोर्ड पे समझाऊंगी। ओके, लेट अस सी अबाउट दैट, अबाउट द सिमेट्री। ओके, बट बिफोर दैट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड अबाउट द मिरर हाफ। ओके, अंडरस्टैंड? चलो नाउ लेट अस सी अबाउट द सिमेट्री।